बॉस लाइफ फील्ड में अब्दुल रोजीक लगा रहे हैं सभी घर वालों को जमकर फटकार। आइए देखते हैं और जानते हैं अब्दुल रोजीक को क्यों आ रहा है गुस्सा, क्यों लगा रहे हैं सभी को फटकार। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। बिग बॉस लाइव फीड अपडेट लेकर आई हूं आपके लिए, जहां पर अब आपको बता दूं कि अब्दुल रोजीक बन चुके हैं बिग बॉस के घर के नए कप्तान और कैप्टन के हाथों में होती है पूरी कमान। ऐसे में अब्दुल रोजीक अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। जब से अब्दुल रोजीक वापस आए हैं तब से वो प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटजी सब बनाकर आए अपने दिमाग में। ऐसे में अब्दुल रोजीक ये दूसरी बार कैप्टन बन रहे हैं और कैप्टन होने के नाते अब अब्दुल रोजीक ये चाहते हैं कि बिग बॉस के नियमों का उल्लंघन ना हो। इस वजह से सबको टाइम पर ब्रेकफास्ट मिले, सबको टाइम पर सारी ड्यूटीज करनी है और सबसे काम करवाना है। इस वजह से अब्दुल रोजीक थोड़े स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं। अब्दुल रोजीक सबको फटकार लगा रहे हैं जो भी काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अब्दुल रोजीक ने किचन की ड्यूटीज को लेकर काफी ज्यादा वो स्ट्रिक्ट हो गए ताकि सबको टाइम पर ब्रेकफास्ट मिले। ऐसे में अब्दुल रोजीक का ये स्ट्रिक्टनेस वाला अवतार देखकर हर कोई हैरान जरूर है, लेकिन हर कोई अब्दुल रोजीक की बात मानता हुआ नजर आ रहा है। आफ्टरऑल सभी के म्यूचुअल डिसीजन के साथ ही अब्दुल रोजीक बने हैं बिग बॉस के घर के नए कैप्टन। आप बताएं अब्दुल रोजीक जब सबको कैप्टन के तौर पर फटकार लगा रहे हैं, ये देखकर आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।